हमेशा मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम हुआ है कि जब भी मैं मेरा नाम पुकारा जाता है तो मेरे शरीर का वो हिस्सा कांपता है जो जिसको मैं बता नहीं सकता ओपन माइक में कि मेरा वो हिस्सा कांपता है और बहुत तेज़ी से। तो वैसे तो मैं मुंबई का पैदाइश हूँ, मुंबई में रहा पड़ा हूँ और मेरे मॉम डैड यूपी से। तो यहाँ से बहुत लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मुझे एक ही क्वेश्चन है कि यूपी के लोगों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद होगा, कोई गैस कर सकता है? दहेज। हम यूपी वालों को दहेज से बहुत बड़ा लगाव है यार, अगर किसी शादी में हम जा रहे हैं तो हमको दहेज चाहिए भाई, लड़की मिले या ना मिले। अगर हम मुंबई में अगर रहते हैं तो हमारा फ्यूचर प्लान क्या होता है? SIP होता है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारे यूपी के लोग क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं यार, इन्वेस्टमेंट। लड़का हुआ तो मार्केट अप, लड़की हुई तो मार्केट डाउन। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना मुझे बाइक चाहिए, हम यूपी वालों को जैसे कि लड़कों को ना बाइक चाहिए, उम्र के बाद होता है कि हमें भी एक कोई गाड़ी दिला दे, कुछ तो चाहिए। तो हम पप्पा से बोलते, पप्पा चाहिए हमें बाइक तो चाहिए ना। तो मुंबई में अगर होगा तो पप्पा बाइक नहीं दिलाएंगे, लेकिन अगर आप यूपी में देखेंगे ना कि पप्पा बाइक दिला दो यार, तो बाप बोलेगा डोंट वरी मैं दिलाता हूँ बेटा, अगले महीने उसी लड़की की शादी हो रही है और उसमें दहेज में बाइक मिल रही होती है उसे। और वही बाइक से किस्सा एक मेरे साथ ऐसा हो गया था कि जब मैं पानीपुरी की दुकान पे अपने यूपी में खा रहा था और उसी समय ऐसा हो गया कि पानीपुरी वाले ने मुझे चिल्ला दिया कि भैया रोड पे मत खड़े रहो, क्योंकि लगन का सीज़न चल रहा है और लगन के सीज़न में बहुत नौसिखिए बाइक चला रहे जिनको फ्री में बाइक मिल रही है, कि वो ब्रेक नहीं लगाते, वो एक्सीलेटर देके पेल देते कि आप पता नहीं चलेगा कि आप कौन से स्वर्ग पर चले गए वो गाड़ी लेके। सॉरी, यूपी में बहुत बार ऐसा होता है कि लड़कों की ना बोली लगती है। अगर लड़का अगर 20,000 की नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी है, तो 1,00,000 प्लेटिना। अगर लड़का समझो जैसे कि अगर वो इंजीनियर है तो आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए उसको? फिर आजकल नहीं मिलता इंजीनियरों को, बिकॉज वो सब ओपन माइक और ये यहाँ पे शायरियाँ सुना रहे हैं, उनसे दहेज मांगा जाता है, भाई दे दो हम तुम्हें लड़कियाँ नहीं देंगे, हमें दे दो भाई। और तीसरा बेनिफिट, अगर आप सरकारी नौकरी वाले हो तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा, यहाँ बाइक नहीं मिलती, यहाँ कार मिलती है, कि आपको कार दे दिया जाएगा, आप कार लेके घूमो। और रिसेंटली हद तो तब हो गई कि मेरा एक फ्रेंड अभी रेलवे में लगा जो बिहार से यहाँ पे आया हुआ है, वो मुझे आके यहीं पूछता है कि भैया यहाँ का रेट क्या चल रहा है, तू शादी कर रहा है, मैं क्या मांग रहा है। और रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान यूपी वालों से ज़्यादा कोई भी करता नहीं होगा, क्योंकि अगर जब भी जाकर फैमिली प्लानिंग देखी जाए ना, तो वहाँ पे ऐसी है कि पहली लड़की जैसी फैमिली प्लानिंग हो जाती, बच्चे हो जाते, तो पहली लड़की की शादी में पहला खेत बेच देता है बाप, दूसरी वाली लड़की की शादी में दूसरा खेत देता है, तीसरी वाली में तीसरा, और चौथी वाली में तो हद तो तब हो जाती है जब बाप को घर गिरवी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट का प्लान है कि 4 के बाद लड़का भी तो बैठा है ना, तो वो सब रिटर्न तो लेके आएगा दहेज से। धन्यवाद, मेरा इतना है, थैंक यू।